नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फूलगोभी की खेती में गोभी का पौधा को कैसे बढ़ाएं एंड गोभी का साइज भी बढ़ाएं। इस तीन चीज़ को मिला दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों, अर्ली फार्मिंग में गोभी की साइज और वेट को लेकर सब किसान भाई बहुत परेशान होते हैं कि वेट आएगा कि नहीं और साइज बड़ा होगा कि नहीं गोभी का। तो इसलिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये तीन चीज़ें। तो गोभी का प्लांट जब 40 से 45 डेज का हो जाए आफ्टर प्लांटेशन, उसके बाद आपको बोरॉन 20, B20 एंड चेलाकाल एंड कैल्शियम को मिक्स करके यूज करना है, मतलब स्प्रे करना है। तो बात करते हैं कि आप इसको कितने डोज लें, कितने ml के हिसाब से तो अच्छा रिजल्ट मिले। तो आपको बोरॉन B20 का 30 ग्राम 15 लीटर पानी में एंड कैल्शियम 30 ml वो भी 15 लीटर पानी में एंड चेलाकाल 8 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को 15 लीटर पानी में मिक्स कर दें और आपको दो स्प्रे करना पड़ेगा 10 डेज के व्यवधान में। एक 40 डेज में करें और एक 50 से 55 डेज के अंदर छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ करता है और गोभी भी ब्राइट दिखता है। इससे आपकी वेजिटेबल मार्केट में पहले बिकेगा। तो बात करते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ है या नहीं। तो दोस्तों इस मेडिसिन को आप ठीक तरह से ठीक परिमाण से यूज करेंगे तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। अगर मैंने जितना बताया है इसका डोज, उससे ज़्यादा आप अगर स्प्रे करते हैं तो प्लांट में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और पत्ते इस तरह के सिकुड़ जाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों, चेलाकाल प्लांट का एक न्यूट्रन है और इससे प्लांट ग्रो करता है। और बोरॉन से क्या होता है ना कि गोभी का लाइट आता है, ब्राइट होता है और गोभी का पौधा हरा भरा दिखता है, ये देखिए। और फूल गोभी में कोई काला दाग नहीं रहता, लाल नहीं पड़ता, फूल गोभी अच्छा ब्राइट दिखता है वाइट। एंड कैल्शियम प्लांट को बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि कैल्शियम से प्लांट का स्ट्रक्चर अच्छा रहता है एंड गोभी का साइज भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का ये तीन चीज़ें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।